हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जो है मैंने जो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है निगेटिव इंटरोगेटिव का जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज जो है मैं आप लोगों को इसका जो है सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका हम कौन सा बताने जा रहे हैं जी, सेकेंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड मालूम है? कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन। तो ये जो होता है क्वेश्चन वर्ड होता है। इसके बाद से जो है या हैव यूज करते हैं। हैज का यूज करेंगे या हैव का? है क्या हैव का यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट, किसका यूज करेंगे जी? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद से जो हैज हैव का यूज करते हैं। इसके बाद से जो है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद से जो है नॉट का यूज होता है। नॉट के बाद से जो है बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे जी? बीन का यूज करेंगे। प्लस वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं जी? फोर्थ फॉर्म का। यानी वर्ब में जो है जब हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वह जो है वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म होता है। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस या फॉर्म। सेंस का यूज करेंगे या फॉर्म का? सेंस या फॉर्म का यूज करते हैं। प्लस अदर, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से किसका यूज करते हैं जी? क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो आपको हमने जो है सेकेंड स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल देखिए। क्या जानेंगे जी? एग्जाम्पल वॉक, दो दिनों से इस काम को क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं करती रही है या कर रही है? कर रही है या करती रही है? तो देखिए, वह दो दिनों से इस काम को क्यों नहीं करती रही है। तो देखिए यहाँ पे क्यों भी आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ है। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं जी? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है जी? वाई है। क्यों है? क्यों का क्या होता है? वाई। इसके साथ हैज का यूज होगा कि हैव का? सब्जेक्ट पे निर्भर करता है कि सब्जेक्ट कौन सा। तो सब्जेक्ट क्या है कि वह है। वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आप हम हैज का यूज करेंगे। वाई हैज, वह है। तो वह के लिए किसका यूज करेंगे? ही या सी। तो यहाँ पे देखिए क्रिया में पता चल रहा है कि करती रही है। यहाँ पे जो है फीमेल का बोल रहा है, इसलिए आप हम सी का यूज करेंगे। वाई हैज सी नॉट बीन। वाई हैज नॉट बीन। अब देखिए वर्ब इसमें क्या है जी? करती, करना। करना क्या होता है? डू होता है। डू का जो है फोर्थ फॉर्म क्या होता है? डू डिड डन डूइंग। फोर्थ फॉर्म क्या होता है जी? डूइंग होगा। और ऑब्जेक्ट में क्या है? इस काम, यानी दिस वर्ड। दिस वर्ड व्हाई हैज शी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। यहाँ पे दो दिनों से तो दो दिन क्या है? फिक्स टाइम है क्या? फिक्स टाइम है। ये जो है अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर यूज करेंगे। क्यों भी पता चल रहा है? दो दिन, महीना पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? फॉर टू डेज। फॉर टू डेज क्वेश्चन मार्क।
वो दो दिनों से इस काम को क्यों नहीं कर रही है? Why has she not been doing this work for 2 days? अब जो है आपको हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं। हम लोग सुबह से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुबह से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं या करते रहे हैं? तो हम लोग सुबह से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ देखिए क्यों आया हुआ है, क्यों और नहीं दोनों आया हुआ है। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा जी? ये सेंटेंस जो होगा वो निगेटिव इंडिकेटिव सेंटेंस का, ठीक है। हम लोग सुबह से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। वी के साथ किसके अंदर होगा जी? है वाई हैव वी नॉट बी, वाई हैव वी नॉट ट्रेवलिंग। यात्रा करने का क्या होता है जी? ट्रेवलिंग होता है। व्हाई हैव वी नॉट ट्रेवलिंग? फिर देखिए सुबह से, सुबह क्या फिक्स है? ये काम जब शुरू हुआ है कब हुआ है? तो सुबह से ही शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस कहते हैं, सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं? Why have we not been traveling since morning? इस तरह से जो है आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। और इसमें जो भी आपको दिक्कत हो उसे जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ भी सकते हैं। अब जो है मैं आप लोगों को प्रीवियस जो है होमवर्क दिया हुआ था, इसमें से कई बच्चे जो है सही नहीं बना पाए। मात्र 2 या 3 बच्चे जो है जो वर्ड को सही बना पा रहे हैं। इसलिए जो है मैं आप लोगों को कौन होमवर्क के रूप में जो है कौन कौन सा दिए थे उसको हम बना के आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट इसमें है चोर रात से चोरी कर रहा है। फर्स्ट में क्या कहते हैं? चोर रात से चोरी कर रहा है, चोर रात से चोरी कर रहा है। चोर रात से चोरी कर रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है जी? चोर है, चोर का क्या होता है? ठीक। अब यहाँ पे जो है ठीक चोर जो है वो कौन सा है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, यानी एक आदमी का बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम हैज लिख रहे हैं। द थीफ हैज बीन। चोरी करने क्या होता है? स्टील होता है, तो स्टीलिंग। और यहाँ पे देखिए सी का यूज जो है, सी के लिए हम सिंस या फॉर यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सी के लिए हम सिंस या फॉर यूज करते हैं। यहाँ पे रात है, रात के लिए किसका यूज होता है? फॉर या सिंस का? सिंस का यूज करते हैं, सिंस नाइट। चोर रात से चोरी कर रहा है, द थिंग हैज बीन स्टीलिंग सिंस नाइट। दूसरा है, क्या आप 2 दिनों से कहानी नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप 2 दिनों से, क्या आप 2 दिनों से कहानी नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप 2 दिनों से कहानी नहीं पढ़ रहे हैं? तो क्या के लिए किसके यूज करेंगे जी? Have you been doing you के साथ have के होता है। Have you been पढ़ने क्या होता है? Read होता है, तो reading a story। अब 2 दिन है, यहाँ पे क्या हो 2 दिन के लिए क्या for के use करते हैं, for 2 days। तीसरा है, छात्र 2 घंटों से क्या कर रहा है? छात्र 2 घंटों से, 2 घंटों से क्या कर रहा है?
छात्र दो घंटों से क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बीच में जो है वो क्वेश्चन वर्ड आया है, इसको हम कॉलर लिखते हैं व्हाट हैज द स्टूडेंट बीन डूइंग फॉर टू आवर्स फॉर टू आवर्स। क्वेश्चन मार्क चौथा है व्यापारी दो साल से गन्ना बेच रहा है। व्यापारी दो साल से गन्ना बेच रहा है। तो व्यापारी का क्या होगा, मर्चेंट होता है। द मर्चेंट हैज बीन Selling sugar cane. Okay, okay. दो साल से for two years. तो आज जो है मैंने जो है आप लोगों को present perfect continuous tense का जो है negative interrogative sentence के बारे में बताया। इसके बाद से जो है होमवर्क में जो है बहुत से बच्चों का जो है गलत हुआ है, इसलिए जो है मैंने जो है आप लोगों को इसे जो है बताया। अब जो है आप लोग इसे जो है अच्छे से पढ़े, नोट्स को पढ़े आप बनाए। जब तक आप नोट्स को नहीं बनाएंगे तब तक आप सेंटेंस को जो है सही नहीं बना पाएंगे, इसलिए जो है इसे आप लोग नोट्स बनाए और अच्छे से पढ़े। आज के इतना ही, डेट।